हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं एमसीक्यू क्वेश्चंस एनपीओ चैप्टर के। जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर 10 मार्क्स का है और इसमें हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और ये क्वेश्चंस जनरली एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ आपकी बुक से, टीएस गरेवाल लेटेस्ट एडिशन 2021-22। तो आइए वन बाय वन हम सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करते हैं। सबसे पहला, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन, पहला ऑप्शन है कैश बेसिस, दूसरा है टाइम बेसिस, तीसरा है अक्रूअल बेसिस और डी है सेल्स बेसिस। आपको पता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है हमारे पास कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर। तो फर्स्ट का आंसर होगा ए। सेकेंड है हमारे पास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बोथ ए एंड सी। तो एनपीओ जो बनाता है वो क्या बनाता है अपने पास, वो बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल सोल प्रोप्राइटरशिप बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी सोल प्रोप्राइटरशिप बनाता है। तो सबसे पहला सेकंड का आंसर होगा ए ऑप्शन। थर्ड है हमारे पास द अकाउंट विच शोज क्लासिफाइड समरी ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ कैश बुक इन एनपीओ। तो आपको मैंने बताया था जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसे हम बोलते हैं समरी ऑफ क्या, कैश बुक। तो इसका आंसर होगा हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इट रिकॉर्ड्स रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ रिवेन्यू नेचर ओनली, नो ऐसा नहीं होता, इसमें रिवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन भी आती है और कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन भी आती है। द रिसीट एंड पेमेंट में रिलेट टू करंट ईयर, प्रिसीडिंग ईयर, सक्सीडिंग अकाउंटिंग ईयर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इस साल की ट्रांजेक्शन भी आती है, अगले साल की भी और उससे अगले साल की भी, किसी भी साल की आ सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। डेप्रिसिएशन इज नॉट शोन इन इट, ये भी सही बात है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फोर्थ का हमारा आंसर होगा बी। फिफ्थ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसीट एंड पेमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर बोथ, नो ऐसा नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रिवेन्यू नेचर ओनली, ये बात ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर ओनली, ये बात गलत है। रिसीट ऑफ रिवेन्यू नेचर ओनली, ये भी ठीक नहीं है। खर्चे भी तो आते हैं इसके अंदर, तो ये भी ठीक नहीं है। तो डी सिक्स का हमारा जो ऑप्शन होगा, सिक्स का हमारा ऑप्शन होगा बी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रिवेन्यू नेचर ओनली। सेवंथ, लीगसी डोनेशन रिसीव्ड बाय एनपीओ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कोई भी स्पेसिफिक रिसीट होती है तो उसे हम कैपिटल रिसीट ट्रीट करते हैं। तो क्या ये रिवेन्यू रिसीट है, नो। क्या ये कैपिटल रिसीट है, यस। क्या ये एसेट है, नो। इट इज डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट, ऐसा भी नहीं है। तो सेवंथ का हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय एनपीओ, लाइफ मेंबरशिप फीस को हम कैपिटल रिसीट मानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, रिवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, एन एसेट और मिसलेनियस रिसीट। तो आंसर होगा बी, लाइफ मेंबरशिप फी इज अ कैपिटल रिसीट। ओके, जयपुर क्लब हैज प्राइज फंड, अभी आ गया फंड बेस अकाउंटिंग का क्वेश्चन। फंड बेस अकाउंटिंग आपने पढ़ा होगा मेरे साथ क्लास में, फंड बेस अकाउंटिंग। फंड बेस अकाउंटिंग क्या कहती है कि अगर आपको कोई आपके पास स्पेसिफिक फंड है तो उससे रिलेटेड इनकम उसी में ऐड हो जाती है, उससे रिलेटेड खर्चे उसी में लेस हो जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं। जयपुर क्लब के पास प्राइज फंड है 6 लाख और उसके पास खर्चे हुए प्राइजेस के 5,20,000, 5,20,000। दी एक्सपेंसिस शुड बी, एक्सपेंसिस क्या होने चाहिए, इसी फंड में से माइनस होने चाहिए। तो डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नो। प्रेजेंटेड टू एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, नो। डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रेजेंटेड इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, नो। डिडक्टेड फ्रॉम दी प्राइज फंड ऑन लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो क्या आंसर होगा, करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन होगा डी। आइए आगे चलते हैं। टाइटल ऑफ अकाउंट विच शोज सरप्लस और डेफिसिट ऑफ एनपीओ, आपको पता है सरप्लस और डेफिसिट किस अकाउंट में आता है, यह आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सरप्लस और डेफिसिट कौन से अकाउंट में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो टेंथ का हमारे पास ऑप्शन होगा बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। आइडेंटिफाई रिवेन्यू रिसीट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको क्या आइडेंटिफाई करनी है, रिवेन्यू रिसीट आइडेंटिफाई करनी है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रही है, हमारी रिवेन्यू रिसीट नहीं है। सब्सक्रिप्शन हमारी रिवेन्यू रिसीट होती है। लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी कैपिटल रिसीट होती है। लीगसी डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, ये भी हमारी कैपिटल रिसीट होती है, तो इसे हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। तो 11th का हमारा ऑप्शन होगा बी। 12th,
जनरल डोनेशन रिसीव्ड बाय एनपीओ शोन इन, जो हमारे को जनरल डोनेशन मिल रही है वो हमारी कहाँ पर आती है, वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं। तो जनरल डोनेशन रिसीव्ड बाय एनपीओ इज क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नो, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट नो, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट नो। स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड बाय एनपीओ, स्पेसिफिक डोनेशन मिलती है उसे हम कैपिटल रिसीट मानते हैं और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड पर दिखाते हैं। तो ये कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नो, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नो, लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट राइट एज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट नो। तो 13th का हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा सी। आगे चलते हैं 14th हमारे पास एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पढ़ते हैं जरा क्या कह रहा है। कंप्यूट रेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। तो आपको कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, आप लेंगे रेंट पेड आपको कितना दिया है, रेंट पेड आपको दिया है नीचे यहां पर दिया है रेंट पेड 297,800। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आप क्या करोगे, इसमें प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग रेंट एट एंड, आउटस्टैंडिंग रेंट एट एंड। बताइए आउटस्टैंडिंग रेंट एट एंड कितना है, ये हमें दिया हुआ है 14,000। तो 14,000 प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट एट बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम लेस करेंगे, कितना दिया है 19,000। फिर उसके बाद एडवांस एट बिगनिंग, इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे एडवांस एट बिगनिंग, इसे हम प्लस करेंगे, कितना अमाउंट है बताइए 5,600। और इसके बाद एडवांस एट एंड, ये हमारे पास कितना है, एडवांस एट एंड ये हमारे पास है 10,400, इसे हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो आप इसे सॉल्व करें जरा, 297,800 प्लस 14,000 माइनस 19,000 प्लस 5,600 माइनस 10,400 तो आएगा 2,88,000, ये आंसर आएगा 2,88,000। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 14th का बी। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15। चूज एनपीओ फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एनपीओ, रिलायंस कंपनी है तो ये एनपीओ नहीं है। इंडियन हॉकी फेडरेशन, ये एक एनपीओ है, नाम से पता लग रहा है। इंफोसिस, ये एक कंपनी है। प्राइवेट हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है तो ये भी एनपीओ नहीं है। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 1,50,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st March 2020 1,00,000 रुपए, यानी पिछले साल की आपको आउटस्टैंडिंग दे रखी है। आपको 1,50,000 रुपए इस साल मिले हैं और पिछले साल के आपके 1,00,000 आउटस्टैंडिंग थे। तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि जो पिछले साल वाले 1,00,000 हमें इस साल मिल गए हैं, तो अमाउंट शोन एज सब्सक्रिप्शन रिसीट विल बी, इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी हुई, पिछले साल आपकी जो आउटस्टैंडिंग थी 1,00,000 और इस साल आपको कितने पैसे मिले, 1,50,000। तो इस 150 में पिछले साल के कितने पैसे हैं, 1,00,000 है, तो इस साल के कितने हुए, 50,000। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, 16th का ए। आगे चलते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो फटाफट एक क्रेडिटर अकाउंट बना सकते हैं, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं क्विकली बना रहा हूं, ठीक है। और यहां पर आपको ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दिया है आपको 4,600, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। डेबिट बैलेंस कितना दिया है, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया 11,800, तो वो यहाँ पर लिखेंगे आप, ठीक है। अब उसके बाद दिया आपको ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट मेड टू क्रेडिटर कितने रुपये, 56,800, तो इसका मतलब बैंक से पेमेंट हुई है 56,800। तो आप इससे क्या निकाल लेंगे, क्रेडिट परचेज निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से आप निकाल लेंगे बाय परचेज, बताएंगे जरा कितना अमाउंट आएगा, 56,800 प्लस 11,800 माइनस 4,600, ये आएगा 64,000, दिस अमाउंट विल बी 64,000। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 17th का आंसर होगा बी। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल रिसीट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट ये हमारी कैपिटल रिसीट है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये भी हमारी कैपिटल रिसीट है, लाइफ मेंबरशिप फीस भी हमारी कैपिटल रिसीट है, एंट्रेंस फीस हमारी कैपिटल रिसीट नहीं है, रिवेन्यू रिसीट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिवेन्यू रिसीट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट कैपिटल रिसीट है, गवर्नमेंट ग्रांट हमारी रिवेन्यू रिसीट है, सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू रिसीट है, एंट्रेंस फीस रिवेन्यू रिसीट है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा
डोनेशन फॉर टूर्नामेंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट आइडेंटिफाई करना है, सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू रिसीट है, सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल रिवेन्यू रिसीट है, एंडोमेंट फंड ये एक रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। एंट्रेंस फीस हमारी रिवेन्यू रिसीट है। आगे चलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, जनरल फंड, कैपिटल फंड कहते हैं इसे। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए आपको कैपिटल फंड ये दिया है, एन्युटी फंड रिस्ट्रिक्टेड फंड है, स्पोर्ट्स फंड रिस्ट्रिक्टेड फंड है, एंडोमेंट फंड रिस्ट्रिक्टेड फंड है। तो 21 का आंसर होगा सी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है करंट ईयर में, ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है, तो इसे हम कहां पर शो करेंगे, लायबिलिटी साइड में। तो 22 का आंसर होगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओपनिंग बैलेंस दिया आपको मैच फंड का 5 लाख रुपीज, सेल ऑफ मैच टिकट दिया 3,75,000, डोनेशन मिली है आपको 1,24,000, मैच के खर्चे हुए हैं 10 लाख। अब ये भी कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ अबव आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास कितना फंड दिया है, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया है मैच फंड का, हमारे पास दिया है 5 लाख रुपए, ठीक है, इसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे लायबिलिटी साइड पे। सेल ऑफ मैच टिकट, सेल करके पैसे आए 3,75,000, इसमें क्या किए जाएंगे, प्लस किए जाएंगे। डोनेशन मिली है हमें 1,24,000, ये भी इसमें क्या किया जाएगा, ये भी इसमें प्लस किया जाएगा। डोनेशन के बाद मैच के खर्चे हुए आपके पास, मैच के खर्चे कितने हुए, 10 लाख रुपए, इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या आएगा, 5 लाख प्लस 3,75,000 प्लस 1,24,000 माइनस खर्चे हुए 10 लाख रुपए के, तो आपके पास नेगेटिव आ रहा है, आपने फंड से ज्यादा खर्चा कर दिया। और एक्सेस अमाउंट अगर ऐसा होता है तो एक्सेस अमाउंट हमेशा कहाँ डेबिट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आप कितना खर्चा कर सकते हो, जितना आपके फंड में बैलेंस है, अगर आपने उससे ज्यादा खर्चा कर दिया तो एक्सेस अमाउंट डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। नेगेटिव बैलेंस ऑफ मैच फंड 1,000 विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, नेगेटिव बैलेंस लायबिलिटी साइड पर नहीं आएगा, गलत ऑप्शन है ये बिल्कुल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड 5 लाख विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 अप्रैल 2018, ये ऑप्शन ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के, ठीक है। नेगेटिव बैलेंस ऑफ मैच फंड 1,000 विल बी शोन इन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बिल्कुल ठीक है। तो दो ऑप्शन ठीक हो गए, बी एंड सी। तो 23rd का हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। आई होप आपको एमपीओ के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस अब अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपके लाइक और कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं और मैं इसी तरह की और वीडियोस आपके साथ लाता रहूंगा। मिलते हैं इसी तरह के कुछ नए कंटेंट के साथ। हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ, बाय बाय।